राजस्थान में नई भाजपा सरकार के गठन को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों को अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा गया। इस देरी से ही मंत्रियों में असंतोष बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शपथ लेने के बाद भी राज्य मंत्री बिना जिम्मेदारी के हैं, जिससे अब प्रदेश में बेचैनी का माहौल है। राज्य मंत्रियों में पंचायत राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, पीडब्ल्यूडी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार और उद्योग वाणिज्य खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई शामिल हैं, जिन्हें अभी तक कोई खास काम नहीं मिला। इतना ही नहीं, कुछ मंत्रियों के कार्यालयों में तो फाइलें तक नहीं है और ना ही काम करने वालों की कोई भीड़। ओटाराम दिवासी ने कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना से कार्यभार देने की मांग की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का समर्थन प्राप्त है। भरतपुर से विधायक और गुर्जर समाज के नेता होने के नाते बेढम को कुछ हद तक का सत्ता का एहसास हो रहा है। और दूसरी ओर राज्य मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे नाराज नहीं हैं, लेकिन काम न मिलने की वजह से परेशान जरूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कई बार काम की मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। विधानसभा सत्र से पहले या बाद में उन्हें कार्यभार मिलने की उम्मीद है। ओटाराम दिवासी पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना, जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल, विजय सिंह चौधरी राजस्व, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना, मंजू बाघमार पीडब्ल्यूडी महिला एवं बाल विकास, कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, के बिश्नोई उद्योग वाणिज्य खेल, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। खबर है कि भजन लाल सरकार जल्द से जल्द राज्य मंत्रियों का जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है। हालांकि देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालयों में कितना दखल स्वीकार करेंगे। ये वक्त बताएगा कि राज्य मंत्री केवल नाम और प्रोटोकॉल के लिए रहेंगे या उन्हें कुछ ठोस काम भी दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.